सवाल ही उठाया जा रहा है कि क्या बलूचिस्तान हुकूमत ने वफाकी मुशावरत से लॉकडाउन एक्सटेंशन का फैसला किया है? क्या बलूचिस्तान गवर्नमेंट फेडरल के साथ खड़ी है, जो फैसला May 9 के हवाले से सामने है? लेकिन पहली तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम आलम इंसानियत को, पाकिस्तान को इस कोरोना वायरस से महफूज रखे, आमीन। जहां तक आपने ये सवाल उठाया है कि कैबिनेट फैसला कर रही है, देखिए पहले दिन से हमारा मौकफ यही है कि हमने इस जो कुदरती आफत है, जो आलमी वबा की शक्ल इख्तियार कर गई है, हमने अब बड़ी होश के साथ, बड़ी तदब्बर के साथ, बड़ी फरासत के साथ मामले को आगे लेके चलना है। और हुकूमतों का फर्ज जानो माल का तहफ्फुज़ होता है, उसके लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं मरकज अपने तमाम सूबों के साथ मिलकर कि हम लोगों के जानो माल का तहफ्फुज़ करें। अब आप सूरत हाल जो आप लॉकडाउन की नरमी, ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं, हमारा मुल्क बिल्कुल इस पोजिशन में नहीं है कि हम इसको बंद कर दें। पहले ही आपके 25% लोग सतह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, आपके 20% लोग वो हैं जिनकी डेली की कमाई सिर्फ $2 से भी ज्यादा नहीं है, और आपके 25% लोग वो हैं जो इस वक्त पता गुर्बत के बिल्कुल करीब है। और अगर यही मुल्क हम बंद कर दें तो 15-20% साहब, लोग, लेकिन लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो पॉलिसी है उस हवाले से बात हो रही है कि शिबली फराज साहब ने आज कहा है कि कल नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में तमाम जो सूबों के वज़राए आला हैं, CMs हैं, वो शिरकत करेंगे, जहां उनसे लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक जो है आप लोग डिस्कशन करेंगे। एट द सेम टाइम बलोचिस्तान हुकूमत जो है वो May 19 तक एक्सटेंशन का ऐलान कर देती है लॉकडाउन का, तो क्या हुकूमत का लॉकडाउन में नरमी का फैसला दुरुस्त समझा जाएगा, और क्या सूबाई हुकूमतें फेडरल गवर्नमेंट का फैसला मानने की पाबंद होंगी? ये मेरा सवालात हैं पहली इस बात वक्त। तो ये है कि 18वीं तरमीम के बाद खा सूबा पंजाब हो, खा GB हो, खा आजाद कश्मीर हो, खा KP हो, बलूचिस्तान हो, तमाम सूबे इंडिपेंडेंट हैं।